हाँ जी, स्वागत है तुहाडा सारिया एक बार फिर पीवीएस क्लासेस ते। और दोस्तों, नायब तहसीलदार का पेपर निकल चुका है और तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, बट तैयारी शुरू करने विच भी पहला जो मुढ़ले सवाल सामने आते हैं कि हाँ जी सिलेबस की है ना, सिलेबस दे विच आपां नूं की दिता गया वा। अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या जीके करनी है एंड करंट अफेयरस करने हैं, ठीक है, ऑफ नैशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, राइट। सो वो सारी चीजें आपां नूं दसियां हुई ने, और पर फिर भी इन्नी कलैरिटी नहीं है। दो शब्दों नाल तां की कलैरिटी आती है ना कि किहड़े टॉपिक आपां चकीए, किहड़े करिए, किहड़े ना करिए, राइट। सो इहदे लई जिहड़ी हैगी आपां रेफरेंस जो लई है कि सेम ही सिलेबस जिहड़ा सीगा इदां दा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर दा सीगा, ठीक है। सो आपां अज की है कोऑपरेटिव सोसाइटी दा इंस्पैक्टर दा जो एग्जाम होया सी 2014 च, वो क्वेश्चन पेपर अपने सामने है, तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हैं। सो आपां इस क्वेश्चन पेपर नूं देखदे हां, समझदे हां, क्योंकि इहदे विच भी यही लिखा सीगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयरस ऑफ नैशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एंड हिस्ट्री। इहदे विच हिस्ट्री जिहड़ा सीगा कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दे विच हिस्ट्री अलग तों इक मेंशन सीगा, राइट, जो कि नायब तहसीलदार दे विच नहीं मेंशन किया होया अलग तो, ठीक है। सो आप देखते हैं एक बार ये पेपर दे विच की किस हिसाब के क्वेश्चन आए हैं, और फिर उस हिसाब नाल आप समझेंगे अपना कि आपां केड़े केड़े टॉपिक जिहड़े हैगे आ वो करन दी जरूरत है, ठीक है। हुण पहला क्वेश्चन जिहड़ा वा अर्थ ऑवर दे उत्ते आया वी कि अर्थ ऑवर जिहड़ा हैगा वा कौन ऑर्गेनाइज करदा वा, ठीक है। सो इट्स लाइक अ जीके क्वेश्चन, ठीक है। एक करंट दा वी नहीं कह सकदे क्योंकि हर साल जिहड़ा हैगा वा अर्थ ऑवर आउंदा वा, सो एक जीके दा ही क्वेश्चन है। एंड वर्ल्ड वाइड फंड आई थिंक इनू जिहड़ा हैगा वा वो करदा वा, ठीक है। सो अगला देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर स्मार्ट सिटी मिशन इन पंजाब। सो स्मार्ट सिटी मिशन जिहड़ा है गवर्नमेंट दी स्कीम है, सो इट्स लाइक अ करंट अफेयर, है ना। एक करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर है, ठीक है, या पंजाब नाल रिलेटेड भी है, किहड़े किहड़े शहर इहदे विच हैगे आ। ओके, सो इहे है। नाल दी नाल आपां इधर भी देखते जाने हैं, ठीक है। इधर की लिखा हुआ वा देख सकते हैं कि एक लिस्ट दिती है, दो लिस्टां दित्तियां हुई ने। ओके, एक पासे साउंड स्पीड डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी एंड दूसरे पासे मैक डेसिबल हर्ट्ज एंड परसेक दिता हुआ। मतलब इधर कह लो कि एक क्वालिटी दिती हुई है और इधर उहदियां यूनिट्स दित्तियां हुई हैं। सो इन्हां दोनों लिस्टां नूं आपां मैच करना वा, सो क्वाइट जीके दा क्वेश्चन है ये, है ना, राइट। सो ये सानूं पता होना चाहिए वा, जिदा साउंड की जिहड़ी हैगी उह की होएगी, साउंड की मैक ही हुंदी है, नॉट साउंड, साउंड की डेसीबल होंगी है, जो है मैक जो है वो स्पीड की होंगी है, राइट, ठीक है। एनीवे आप आंसर से नहीं जाते, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके दे आते हैं, ठीक है। अगला तुसी देख लो क्वेश्चन, अगे एंड्रॉयड का पूछा आया कि एंड्रॉयड ऐप जी किन्ने डेवलप की हुई है, ठीक है। सो काफ़ी कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है, जनरल नॉलेज आप इन कह सकते हैं कि जीके का क्वेश्चन है, राइट। ऐप ऑफकोर्स गूगल ही करता वा, ठीक है। इधर अगर आप देख लिए तो 106वां क्वेश्चन की है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एडजुडिकेट अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट थ्रू, ठीक है। सो पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। ओके, करंट अफेयर है, नहीं करंट अफेयर तो नहीं है, ठीक है। फिर पॉलिटी की जनरल नॉलेज दे तुसीं कह सकते हैं जीके, ठीक है। सो पॉलिटी का थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन है, राइट। सो अगला आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन सानू दिख रहा है इधर, ठीक है, डीपीएसपी की गल आ गई है, ठीक है। सो पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी पॉलिटी करनी है, पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। बट केस लेवल तक वो भी एक जो है सवाल है, विच सबमरीन इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ठीक है। ये ऑफकोर्स करंट अफेयर का जोड़ा है क्वेश्चन हैगा वा, ठीक है। रीसेंटली पिछले 3 साल 3-4 सालों तो यह चीज़ें चल रही हैं वा कि जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जड़ियाँ है इंडिया दे विच बन रही हैं वा, ठीक है। सो कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर अगे आ गया क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। सो नैशनल करंट अफेयर दे विचों आ गया, तुसीं देखो नैशनल सी ए, नेशनल करवंट फेयर चो आ गया, की कहिंदे इस योजना नूं, की नाम है इहदा, होर इहदा है सौभाग्य, राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नेविगेशन सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया। ओके, नेविक, ये भी नेशनल करंट अफेयर दे विचों आया वा। ओके, क्योंकि IRNSS ये जो है सैटेलाइट जो है लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। सो पिछले 3-4 सालों तो ये भी जोड़ा हैगा वा वो करंट अफेयर दे विच रहा वा, ठीक है। एंड विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट अ सिटीजनशिप टू अ रिपोर्ट। ऑफकोर्स इंटरनेशनल करंट अफेयर के विचों आ, ठीक है।
ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜੋ ਹੈ ਲਿਸਟ 1 ਐਂਡ ਲਿਸਟ 2 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਧਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾਵਾਂ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਕੀਮਸ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਰੋ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਵਿਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਹਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਊਂਗਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ 116 ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਫੇਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਲਿਸਟ 1 ਐਂਡ ਲਿਸਟ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਇੱਧਰ ਮਿਸਲ ਆ ਇੱਧਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅਮੰਗ ਦਾ ਟੌਪ 20 ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 20 ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੱਧਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਆ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਆ ਇੱਧਰ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਓਕੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਆ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਔਰ ਜੀਕੇ ਵਾਟ ਐਵਰ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕਿਊਬਾ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਸਵਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਪਸਵਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦ ਕਾਮਨ ਟੀਵੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇਵ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਜੀਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਗੇਨ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਜੀਕੇ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਕਲੂਡਿਡ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਓਕੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਰੀਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ ਡਾਟਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਓਕੇ ਰਾਈਟ
एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके एंड फिर अगे देखते हैं 131वां क्वेश्चन की किहदे उत्ते आ रहा वा। ओके लॉर्ड इरविन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दे रिलेटेड मतलब हिस्टरी, ठीक है हिस्टरी दा आ गया वा उहदे अंदर राइट। फिर इधर तुसीं देखो कि ये भी हिस्टरी तुहानूं देख रहा वा, इधर जो है फ्रीडम फाइटर्स ने इधर उन्हां दे जो कारनामे आ उन्हां दी लिस्ट हैगी आ, ठीक है सो ये भी साडी हिस्टरी हो गई राइट। सो एक अगे आ गया 132 दे आपां की देखदे आ। सो ये पॉलिटी का क्वेश्चन देख रहा वा, द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मस्ट कम फ्रॉम, ठीक है सो ये ऑथराइजेशन कितों आती है वो क्वेश्चन है। सो पॉलिटी का क्वेश्चन है राइट। फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है अगे, ठीक है। और इधर अगर गल करिए की देख रहे सानू गदर मूवमेंट हिस्ट्री राइट, डांडी मार्च आ गया हिस्ट्री आ गई। ओके अन ब्रिटिश हु अमंग द फॉलोइंग यूज द, उपर नूं करके दिखा दिंदा तुहानूं, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है किन्ने, दादा भाई नेहरू जी सी आंसर। ओके अगे फिर रॉबर्ट क्लाइव की गल आ गई मतलब हिस्ट्री आ रही है राइट। हिस्टरी इतने हम देखो तुसी हिस्टरी थोड़ी डोमीनेट कर गई इस जगह के उत्ते। अच्छा इधर साइट्स की गल आ रही है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो साइट्स जो एग्रीमेंट है ना इनवायरमेंटल एग्रीमेंट वो गल आ रही है, ठीक है। सो ऑफकोर्स इनू इनवायरमेंट जीके लै सकते हैं आप, ठीक है यह कोई इस तरह नहीं है करंट अफेयर तो नहीं है क्योंकि स्टैटिक चीज़ा ये बारे पूछिया गई ना, इट कंटेन प्रोविजन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, ठीक है। सो इनवायरमेंट जीके राइट। सो इस कला तुम देखो कि करंट अफेयर ही नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है जिन्होंने आप जीके दे विच काउंट कर लें। ओके फिर अगे देखो माउंट बेटन की गल आ गई है, लॉर्ड माउंट बेटन मतलब हिस्टरी की गल हो रही है, हिस्टरी का क्वेश्चन आ गया। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब पॉलिटी आ गई इतने साढ़े को, ठीक है राइट। फिर इधर तुम देखो कि इधर फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज बारे पूछा वा, सो इनवायरमेंट। ओके इनवायरमेंट का तुम ये टॉपिक हैगा वा, ठीक है। फिर अगे आ गया द टर्म गोल्डी लॉक जोनस, ठीक है गोल्डी लॉक जोन के बारे पूछा वा। सो इट इज मतलब न्यूज़ की गल की गई है, सो ये करंट अफेयर है ना, इंटरनेशनल करंट अफेयर ही कह सकते हैं इनू, ठीक है। गोल्डी लॉक जोन की होंदिया ने, ठीक है सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आवर आउटर स्पेस, ये रिलेटेड है ये। ओके अगे ग्लोबल एग्रीमेंट इन इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रैटेजी, ठीक है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसिस, सो अगेन इनवायरमेंट का क्वेश्चन है राइट। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉड अंडर मॉन्ट्रीएक्स रिकॉर्ड, इनवायरमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं हम, ठीक है इनवायरमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। फाइटोप्लैंकटन की गल आ रही है, ठीक है कार्बन सिंक ये सारी गल आ रही है, सो ये भी इनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो यह मतलब इनवायरमेंट आना वा आपां नूं भी पेपर दे विच, ठीक है। ओके द फर्स्ट थ्री इंडियन फीमेल्स हू स्क्रिप्टेड द हिस्टरी राइट, सो ये करंट अफेयर की गल आ गई है, नैशनल करंट अफेयर आ गया इतने साढ़े को फिर, ठीक है। और इधर वैटलैंड की गल आ रही है, ठीक है सो ये कौन आ गया इतने भी इनवायरमेंट आ गया, या ज्योग्राफी भी कह सकते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, क्योंकि इधर वेटलैंड आ नैशनल पार्क आ लेक आ और इधर केड़ियां रिवर के कॉन्फ्लूएंस उत्ते स्थित आ, है ना ब्यास एंड सतलुज हरीके जिदा ब्यास एंड सतलुज के कॉन्फ्लूएंस के उत्ते आ। सो ये लिस्ट आ एनवायरमेंट या ज्योग्राफी कोई किसी भी तुम इन पा सकते हैं, ठीक है। फिर अगे प्रोहिबिशन की आ गई गल, सो ये कितों आ गया ये साड़ी पॉलिटी आ गई राइट, ये करंट अफेयर नहीं है पॉलिटी आ। ओके सो पर बेसिक बेसिक चीज़ा पूछिया गई ने, ठीक है एनवायरमेंट विचों पॉलिटी दे विचों राइट। और अगे असी गल करिए 150वां क्वेश्चन केड़ा वा, इन द इवेंट ऑफ वेकेंसी, ठीक है अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया वा राइट। ओके नैशनल एमरजेंसी की गल आ गई है, पॉलिटी आ रही है, ठीक है क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया मतलब हिस्टरी आ गई है,
रोल टैक्ट हिस्ट्री आ गई है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 इहदा मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर आ गया वा, राइट। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट, पॉलिटी वाइस प्रेसिडेंट दी गल मतलब पॉलिटी, ओके इधर आ गया वा। इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड द इलेक्शन इज टू बी हेल्ड विद इन अ पीरियड, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच, तंदूलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, हाशिम कमेटी। ये साडा इकोनमी का आ गया, इतने हम इकोनमी का क्वेश्चन आ गया वा कि कहड़िया कमेटियां जड़िया है वा उन्होंने की काम सेगा, ठीक है, राइट। अगे गल करिए तो साढ़े को आ गया लीड बैंक स्कीम, हुण मैनूं लगदा इकोनमी शुरू हो गई है, इकोनमी का क्वेश्चन है। नबार्ड की गल आ गई है तो इकोनमी का क्वेश्चन है, राइट। इधर स्वदेशी एंड बाइकॉट आ, सो हिस्ट्री हिस्ट्री देख लो शुरू तो एंड तक आते ही जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री काफ़ी डोमिनेटिंग है, ये सिलेबस इनफैक्ट लिखा भी हुआ सेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले सिलेबस लिखा सेगा अलग तो हिस्ट्री का। मसाला बॉन्ड आ मतलब इकोनमी का क्वेश्चन है, राइट। फिर अगर देखो हृदय हृदय स्कीम जी हैगी है भी गवर्नमेंट की आ, करंट अफेयर कह सकते हैं, इकोनमी कह सकते हैं, राइट। स्कीम की गल की गई है हृदय योजना की, राइट। और इधर इन द कंटेक्सट ऑफ जीएसएलवी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है। सो जीएसएलवी की गल की है, कितने ना कितने स्पेस की गल आ गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की गल आ गई है, साइंस टेक का क्वेश्चन हो गया है, राइट। फिर अगला के 164वां क्वेश्चन इन द कंटेक्सट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन की गल आ गई, वही टेक्नोलॉजी की गल आ गई है, साइंस टेक की गल आ गई है, ठीक है। सो क्रायोजेनिक इंजन और इधर बीटी कॉटन की गल आ गई है, ऑफ कोर्स फिर टेक्नोलॉजी की गल आ गई है, साइंस टेक की गल आ गई है, राइट। बीटी कॉटन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पिग 26, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हैगा वा, राइट। मालाबार नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया जापान एंड, सो ये भी जीके का क्वेश्चन हो गया, मालाबार मालाबार एक्सरसाइज जीके का क्वेश्चन हो गया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इधर वारहेड टाइप, वारहेड इधर टाइप, ठीक है। सो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, जिदा मालाबार भी डिफेंस ना रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है। सो इधर तुम देख सकते हैं कि तेजस की है, तेजस LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ओके। अर्जुन की है, अर्जुन साडा मेन बैटल टैंक है, ठीक है। इस तरीके ने इन्हों कंपेयर करना वा, राइट। सो इट्स क्वाइट जीके ही कह सकते हैं इन्हों, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, ए अगेन टेक्नोलॉजी की गल आ गई है, साइंस टेक की गल आ गई है। विच अमेरिकन मल्टीनेशनल हैज बॉट, ठीक है, ये अगेन करंट अफेयर आ गया, ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर के फ्लिपकार्ट नो किन्ने खरीद लिया, ओके। सो इतने जेडे 170 मतलब ये 170 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। 100 क्वेश्चन पहले कहे सके रीजनिंग दे सके, और बाह हूँ आप 70 क्वेश्चन देखे है, ठीक है। सो ये अगर मैं हूँ हिसाब लावा तो आप की देखे, आप पॉलिटी वेखी, करंट अफेयर तो हैगा ही है, ठीक है। पंजाब का तुम देखो, पंजाब का करंट अफेयर कितना आया, पंजाब करंट अफेयर दसो मैनू, तुम भी देख लिया वा इस क्वेश्चन च कितना आया। अक्सर असी वरी वरीड रहने हैं पंजाब का करंट अफेयर कितों करिए, पंजाब का करंट अफेयर कितों करिए। मेरे ख्याल में दो क्वेश्चन आए हैं, राइट। वो भी कह लो कि किसी ना किसी तरह मतलब नैशनल करंट अफेयर के नाल जुड़े ही हुए थे। एक तो स्मार्ट सिटी वाला, ठीक है, स्मार्ट सिटी वाला क्वेश्चन आया सेगा, राइट। एंड दूसरा मैं याद है तो वह पोल्यूशन वाला, ठीक है, कि जिहड़ा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी दे विच केड़ी सिटी का नाम आउंदा वा, राइट। सो इदां तां है नहीं है कि कला को पंजाब दे रिस्पेक्टिव ही हैगा वा, ओके। ये नैशनल दे नैशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर दे नाल ही रिलेटेड है ना, ओके। पूरी 20 दी लिस्ट आई होगी, उस बाकी सारे देशों की भी, बाकी सारे स्टेट्स की भी सिटीज की गल आई होगी, उस पंजाब की भी सिटी होगी, राइट। सो पंजाब करंट अफेयर, पंजाब करंट अफेयर इनू हवा ना बनाओ, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है। वधिया 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 वैबसाइट्स हैगियां वा, इनसाइट दे किन्ने वधिया करंट अफेयर हैगे आ, विजन दे अवेलेबल हैगे आ, राइट। सो उत्थों तुसीं करंट अफेयर वधिया अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर की गल हो गई, हुण तुसीं देखिया नैशनल करंट अफेयर भी काफ़ी आया वा, राइट, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर आ गया, इंटरनेशनल करंट अफेयर आ गया, ये सानू सारा जिहड़ा हैगा वा इनसाइट या विजन दियां जिहड़ियां हैगियां वधिया वा, इन्हां दियां मतलब PDF भी सानू मिल जांदियां ने, इन्हां तों मैनूं लगदा कि आपां कवर कर सकदे चंगा, ठीक है। फिर सानू पॉलिटी दे क्वेश्चन आए आ,
राइट ठीक है। फिर सानू इनवायरमेंट दे क्वेश्चन आए आ, ठीक है। फिर सानू होर की आया वा, होर इनवायरमेंट आ गया, पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री आ है, ठीक है। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है का? नहीं, वो एक क्वेश्चन सीगा, उन्हों आप इनवायरमेंट ना भी लिंक कर सकते हैं, जो ज्योग्राफी ना भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी का नहीं आया कोई, तुम यही लाओ, ठीक है राइट। एंड होर क्या आया वा, ठीक है। बाकी जीके दे क्वेश्चन काफी आए हैं, ठीक है ओके। सो मोटा मोटा यही रहा अपना, जो जो भी आप ऊपर तो हले तक देखिया, पॉलिटी है, इनवायरमेंट है, ठीक है, जीके। अच्छा इकोनॉमी दे क्वेश्चन भी आए हैं कुछ ना कुछ, राइट ठीक है। सो आप हम देखते हैं कि जो ये सिलेबस दिता सी उस की लिखा वा, राइट। सो ये सिलेबस अगर मैं तुम्हें दिखावा, ठीक है। सो 70 क्वेश्चन देखो का दे है? 70 क्वेश्चन ये है। आहा, नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। इतने हिस्ट्री जड़ा है वो स्पेशली मेंशन किया हुआ वा, राइट ठीक है। सो हिस्ट्री के क्वेश्चन आप देखिए बहुत 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 आए हुए हैं हिस्ट्री के, ओके। इन्हां ने थोड़ा जड़ा है ये जो ये आप देख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इन्हां ने थोड़ा इनू एक्सपैंड करके भी दस्या वा, राइट। सिलेबस दे विच की हो रहा होना वा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर, ओदे विच इकोनॉमिक इशू क्या पूछिया क्वेश्चन इन्होंने, ठीक है। पॉलिटिकल इशू क्या, पॉलिटिकल दे भी पॉलिटी पॉलिटी दे भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ओके। भावे करंट अफेयर दे नहीं आए, ठीक है, पर जनरल नॉलेज भी तो है नाल, स्टैटिक भी आए हैं, राइट। एनवायरमेंट के क्वेश्चन आए हैं, आए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं, आए हैं। अदर करंट अफेयर, कुछ स्पोर्ट्स दे भी आए हैं, ठीक है, वो करंट अफेयर्स भी आए हैं। पर ज्योग्राफी इतने नहीं लिखा था कि ज्योग्राफी आई है, इतने देखो इन्होंने ज्योग्राफी नहीं मैंशन की थी, सो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी कोई नहीं आया, राइट। एक वो कॉन्फ्लुएंस वाला सेगा, वो वैसे भी इनवायरमेंट के नाल ही रिलेटेड हो सकता वा, ठीक है ओके ठीक है। अगला जिहड़ा हैगा वा, फिर इन्होंने किया है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, इहदा अलग तो जिक्र किया सीगा। सो हिस्ट्री दे काफी क्वेश्चन भी इन्होंने पाए आ, राइट ओके। सो इन्होंने होर की दस्या, 7B एंड 7C अबव विल हैव 70 क्वेश्चन, मतलब ये दोनों बढ़ा के, ठीक है, 70 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन होंगे है, आउट ऑफ विच 60 क्वेश्चन मे बी फ्रॉम 7B, ठीक है। मतलब इस हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन है कहते होंगे, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, राइट। सो मुकदी गल की है कि आपां नूं इस तों की समझ लगा, हुण अपनी नोटिफिकेशन दे विच तां सिर्फ इन्ना ही लिखिया होया, नैब तहसीलदार वाली नोटिफिकेशन दे विच इन्नी पहली लाइन ही लिखी हुई है, ठीक है, थले कुछ भी नहीं दिता होया, राइट। सो सानू इस तो की पता लगता, अगर इसी चीज़ नू असी गाइड मान लीए अपना, ठीक है। सो सानू इकोनॉमी करनी है, ठीक है, करनी है, पॉलिटी करनी है, करनी है, इन्वायरमेंट करना, साइंस टेक्नोलॉजी करनी है, कुछ उस तो अलावा कुछ होर करंट अफेयर स्पोर्ट्स वगैरह दे वो करने हैं, ठीक है। हिस्ट्री दा ये विच अलग तो दिता हुआ सी, हिस्ट्री भी ऑफकोर्स आपां करनी ही होनी है, ठीक है, हिस्ट्री भी सानू करनी ही पैनी है, ठीक है। एंड करंट अफेयर की जितों तक गल आ जाती है, तो ज़्यादा वो ना हो जाओ कि पंजाब पंजाब के करंट अफेयर, क्योंकि एक तो पंजाब के करंट अफेयर तुहानू कितों मिलते घट आ, ठीक है, वो सोर्स घट आ, सो उस चीज़ की टेंशन लैके ना जियो अपने अंदर। सो देखो किन्ने ज़्यादा नैशनल करंट अफेयर आए हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर आए हैं, पहले जी ज़्यादा चीज़ आई है उन्होंने तो कर लो, ठीक है ओके। सो ये जो मेरा तुम्हें सुजैशन आ, हूँ गल अगे आप इतें ही रोकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता मैं तुहानू इस वीडियो तो कुछ समझ आया होगा कि पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला नायब तहसीलदार का, ठीक है, तो तुसी अपनी तैयारी शुरू कर सको ओके ठीक है। सो वधिया लगी वीडियो, जो तुहानू लगता हैल्पफुल आ तां अपने होर यारां दोस्तां नाल, ठीक है, होर एसपीरेंट्स नाल जिन्हां ने पेपर देना उन्हां नाल जरूर शेयर कर दिओ ओके। मिलते हैं फिर, जद तक जुड़े रहो पीवी सर दे नाल।